अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल? ठीक ठाक खरीद? अरे भाजी ती 50-50 ला रहे हो कुड़ी? नहीं मैं 50 ही कही सी, 50 लगी सी। देखो हाँ गिन के दसो सर भाई, की हाल चाल? सब राजी भाजी? क्या चल रहा है? छड़ना नहीं सी, काम ते लाना सी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, की हाल है जनाब? ठीक हो? ठीक जा रहा माशाल्लाह तुहाडा काम? सानू तो फटियां दे विचों बस तुसी बस एवें ना बस थोड़ी थोड़ी नजर आ रहे हो। ठीक है। अच्छा जी आजो जी, चौथे घर जी चलिए कॉर्नर वाले च। कॉर्नर पर भी क्या कॉर्नर? और नहीं कार्नल नहीं कॉर्नर। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाजी? सब खरीद है जी? सलमान की हाल है? अच्छा ठीक है जी माशाल्लाह। अच्छा मेन आ चुकी जाएगी तो उस बाद फिर अंदर? ठीक है गुड हो गया, आ जाओ फिर बाहर चलिए। भाई गुलाम रसूल की हाल है तुहाडा? उस्तार भी तुहानू पुछना ये सी कि जीशान साहब जड़े ना मर्जी दे मालक है यार, की कह सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुआयना करवाओ, की कर रहे हो? ठीक ठाक पुराना ही अमला है? ਇਹ ਅਮਲਾ ਮਰਜੀ ਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਵਾਫੀਅਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 193 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ? ਸੀੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਸਰ ਵੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ? 10-11 ਫੁੱਟ। 10-11 ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਟੀਆਂ ਹੀ ਫਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਟੀਆਂ ਕੰਮ ਫਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੱਟਣੀਆਂ ਸਾਰ? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਦੇ ਛੱਟਣਾ। ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਛੱਟਣੀ ਸਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ? ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਅਪਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਥਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਈ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਆ
तीसरे का इन्हों ने वो बीम बन लिया और जो लटक बीम से अपना ड्राइंग रूम तो सिटिंग एरिए जो आप इनू कट्ठा किया ठीक हो गया। यह की है किचन है वाशरूम हाँ ये वाशरूम सॉरी किचन हाँ यह किचन है जी जी सॉरी मेरी गलती ए हो गया ओके। उस तो बाद इन्हों का और रह गया गराज रह गया मेरा भाई गराज का ही कम कर रहा नाल दे गराज का कर रहा उस तो बाद यह वाला जिन्ना उधर कम हो गया उन्ना ही इधर हो गया दो घर तो इंशाल्लाह अपने कंप्लीट हो रहे हैं जी सर भी तो उस तो बाद अपने जो ही बाहर निकलते हैं ना जी हाँ जी शायद कल फाइनल कर पिछले नाल ही सरिया कहेंगे इन्हों का शुरू करो जी सर भी वो जो सरिया वाला को आप टाइम लिया से आ गया थोड़े ना मैं मुलाकात भी करवाई है फरमाइशा वगैरह वो लै गया तो इंशाल्लाह फिर जो तुम कह दोगे उदो ही सरिया आप मंगवा लवेंगे ठीक है तो बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ठीक है साहब होर कि मेरे लायक खिदमत कुछ शायद नहीं चलिए फिर स्टारबक्स ठीक गैस शटरिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तेज़ी से जारी है इनकी मुझे अब पता चला है कि दो टीमें आई हुई हैं जो अपना काम अलग अलग से कर रही हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम के साथ जो लिविंग एरिया है इसकी वो शटरिंग डाल रहे हैं ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको हमने कंबाइंड किया था इकट्ठा किया था ड्राइंग रूम को और लिविंग एरिया को तो उसका जो लटक बीम होता है उसकी वो शटरिंग उन्होंने कर ली हुई है। इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ ये हमारा किचन है इसकी शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद ये हमारा बेडरूम है कॉर्नर वाले घर का इसकी भी शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है। साथ वाले घर का इन्होंने जो ये गेट होता है इसका जो बीम होता है उसकी उन्होंने शटरिंग कर दी है। आगे जब अंदर जाएंगे तो अंदर भी काम माशाल्लाह ज़ोरों शोर से जारी है। ये चाबियां होती हैं जो इन्होंने बना के रखी हुई हैं लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं ये देख इसको ये चाबी कहते हैं इसके ऊपर प्लेटें या जो भी प्लाई वगैरह वो इनकी आनी होती है। ये कॉर्नर के साथ वाला जो घर है मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी शटरिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है बस ये गैराज ही रह गया इसका बस तो इंशाल्लाह इनकी जो टीमें काम कर रही हैं वो तेज़ी से काम को आगे बढ़ा रही हैं। वो मुझे कह रहे थे कि कल का दिन हमें दे दें परसों आप अपने सरिया वाले को बुलवा लें तो सरिया वाला हमारा आया था वो पैमाइश ले कर चला गया तो जैसे ही ये फ्री होंगे यहाँ से साथ ही सरिया वाले का काम शुरू हो जाएगा।